गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में वो बेस्ट यूटिलाइज होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मैनर manner में उन्हें यूटिलाइज किया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो प्लान बनाती है कि किस तरीके से आपने इकोनॉमिक को यूज करने हैं और जो रिसोर्स हैं उन्हें यूटिलाइज किया जाता है टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर नेक्स्ट इज बेटर सॉल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम ये सिस्टम ऑफर करता है सॉल्यूशन सभी बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस करना है और प्रॉफिट मोटिव को ये कंसिडर नहीं करता है सेल्फ इंटरेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ये कंसिडर नहीं करता है जो गवर्नमेंट है वो फ्री है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कीपिंग इन व्यू सोशल इंटरेस्ट क्या है ताकि जो लोग हैं उन्हें वो गुड और सर्विसेज मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है प्रोडक्शन जो है इन्फ्लुएंस होती है बाय द रियल नीड्स ऑफ द पीपल तो जो असेंशियल है गुड्स जो मेंटेन करने के लिए हेल्थ एंड एफिशिएंसी लोगों की वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है देन नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट जैसे फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी जो हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा वहाँ पर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टाइजमेंट में लेकिन जो सोशलिज्म है यहाँ पर

नहीं होती है तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मेनटेन होती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने से तो जो भी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो बैडली इफेक्ट हुई थी इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो अनएफेक्टेड रही थी जैसे कि रशियन इकोनॉमी देन नेक्स्ट है आपका रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो चीफ ऑर्गेनाइजर होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो कोऑर्डिनेट करती है आपके सारे नेचुरल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सिस को स्किलफुली और एफिशिएंटली ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो रैपिड पेस से हो सके वही एक्सेलरेट करता है पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सिस और जिससे बैलेंस्ड ग्रोथ होती है सभी सेक्टर्स और रीजन में देन नेक्स्ट इज नो क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबर यहाँ पे नो कैपिटलिस्ट क्लास है जो क्लासलेस सोसाइटी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है सभी मेंबर्स इक्वल हैं शोल्डर टू शोल्डर वर्क करते हैं और कोई फियर नहीं है क्लास स्ट्रगल का जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है द नेक्स्ट इज योर लेस इन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्योंकि सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वेटेबल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में कॉन्स्टेंट एफर्ट रहती है गवर्नमेंट की कि जो इकोनॉमिक इनइीज है उसे कम किया जाए और जो भी है अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको एकदम से एबॉलिश कर दिया जाए तो जो रिच लोग हैं उनको ज्यादा हायर टैक्स रेट देना पड़ता है और जो पुअर लोग हैं उनको फ्री सर्विसज ऑफर की जाती है नेक्स्ट इज योर बेटर इक्विप्ड फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस जो सोशलिज्म है वहां पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लानिंग कमीशन रेगुलेट करता है तो अगर किसी भी तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो जो भी रिसोर्सिस हैं पूरी होल इकोनॉमी के उन्हें बेटर कोआर्डिनेटेड और कंट्रोल करके जो इकोनॉमी है उसे वेल well डवेल्प बनाया जा सकता है द नेक्स्ट इज योर डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म सबसे पहला पॉइंट है नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन सोशलिज्म में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना कि क्या बेसिस होगा कॉस्ट को कैलकुलेट करने का और इसके बिना ना तो इकोनॉमिक जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन कर सकती है ना ही रिसोर्सिस को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है प्रॉपर मैनर में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड और रेगुलेट गवर्नमेंट करती है अंडर सोशलिज्म तो जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइजेस है जैसे लैंड लेबर कैपिटल एक्सेट्रा वो डिटरमाइंड ही नहीं होते हैं और बिना जो प्राइस है उनका वो यूज होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते और कॉन्सिक्वेंटली ये डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है देन एंड ऑफ कंज्यूमर सॉवर्निटी सोशलिज्म में कंज्यूमर सॉवर्निटी खत्म हो जाती है क्या कितना कहाँ जो भी ये सारे आपके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्लानिंग अथॉरिटी अपने खुद के माइंड से लेती है तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं लोगों को उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है उनकी प्रेफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक जो सेंट्रल प्लान है वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो नेशन में हो रही है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है कई बार जब आप प्लान्स को प्लान फ्रेम करते हो तो जो प्लानर है वो जो प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पे लोअर लेवल पे एग्जिस्ट करती है उसको जज नहीं कर पाता है और इसके अलावा क्योंकि साइज जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा है तो डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल प्लान को इफेक्टिव मैनर में और डिफिकल्ट होता है उसके ऊपर चेक रखना उसको कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्सिस को यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उसको उस

ये व्यू रखते हैं कि इस सिस्टम में जो इकोनॉमिक फ्रीडम है लोगों की वो खत्म हो जाती है जो भी एंटायर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हैंड्स में रहती है तो जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फिजिकल्स मींस हैं प्रोडक्शन के वो रेगुलेट और कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है तो हर एक को जो गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है वही फॉलो करनी पड़ती है तो इसे हम पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप भी कह देते हैं द नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो दूसरा आ, इल्जाम इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम पर लगाया जाता है वो ये कि हर एक जो एक्टिविटी है वो क्लोजली गार्डेड है उसका जो मतलब जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वो एक सीक्रेट की तरह रखी जाती है दूसरी कंट्रीज को नहीं पता चलता है कि उस कंट्री में हो क्या रहा है तो ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है इवन जो स्मॉल इंफॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कंट्री में उसे भी लीक आउट नहीं होने दिया जाता है और इसकी वजह से जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के ऊपर शक करती है और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसमें टेंशन क्रिएट होती हैं द नेक्स्ट इज योर लेस इनिशिएटिव जो लोग हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते लोग मशीनों की तरह काम करते

प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने का यही रीजन है कि जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज है वो वर्ल्ड की वो एट प्रेजेंट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाना चाहती है क्योंकि उसमें मैरिट्स सोशलिज्म की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या जिसे हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कह रहे हैं उसका रीजन ये है कि जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम उसे क्यों कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो जो मिक्सड इकोनॉमी है जैसा कि नेम से ही क्लियर है मिक्स्ड ये मिक्सचर uh, है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का इस टाइप की इकोनॉमी में एक तो फ्रीडम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल वेलफेयर के उसे अचीव किया जा सके तो इंडिया जो है उसने जो एडॉप्ट किया है इकोनॉमिक सिस्टम वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनेटोल मुराद मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन फीचर्स क्या है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम के सबसे पहला है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है मिक्सड इकोनॉमी का वो ये की यहाँ पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो साथ मिलकर काम करते हैं जो इंडस्ट्रीज नेशनल इंपॉर्टेंस की है जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज आर्म्स एंड एम्यशन इंडस्ट्रीज पावर जनरेशन वो पब्लिक सेक्टर में सेटअप की जाती है जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है और मेन ऑब्जेक्टिव जो है दोनों का वो म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं इन द स्पिरट ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन दैन नेक्स्ट इज प्लान इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि वो डेमोक्रेटिक प्लान्स को लॉन्च करे ताकि अपनी जो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर पाए और ये जो भी वो प्लान बनाती हैं वो प्रोग्रेसिव डिवेलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और इनको अचीव करने के लिए जो भी सेट टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए सोशल वेलफेयर को अचीव uh, करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो फुल कंट्रोल रखती है ओवर दी इंडस्ट्रीज और अदर एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके ऊपर भी द नेक्स्ट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अंडर मिक्स इकोनॉमी जो लोग हैं वो फ्री हैं एक्वायर करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को बट इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द कंट्री जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मुलेट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस मैनर में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में ना हो जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स हो गया वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट जो वेल्थी लोग है उनका एक पार्ट वेल्थ का ले लेती है टैक्स लगा के जो इनकम है रिच पीपल की उसके ऊपर एवरी इयर और एट द सेम टाइम वो फंड पब्लिक सेक्टर जो है उसमें स्पेंड करती है ताकि जो वेलफेयर है पुअर पीपल का वो प्रमोट हो सके नेक्स्ट इज योर प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी जो कैपिटलिज्म है उसमें जो एंटायर इकोनॉमी है वो प्राइस मैकेनिज्म से रेगुलेट होती है बाय दी फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइसेस हैं गुड्स के सर्विसेस के वो डिटरमाइन होते हैं फ्रॉम द द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो जो डिमांड एंड सप्लाई के हैं तो मेन इकोनॉमिक इंटर है कि क्या प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस करना है वो प्राइस मैकेनिज्म से डिटरमाइंड होते हैं लेकिन अंडर सोशलिज्म जो प्राइस है गुड्स के वो फिक्स करते हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे फिक्स होते हैं लेकिन जब हम मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें हैं तो यहाँ पर जो भी प्राइस मैकेनिज्म है एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं कुछ गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो डिटरमाइंड होते हैं बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और कुछ जो गुड्स के प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है जैसे रेल एंड बस का फेयर इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ्स ये गवर्नमेंट फिक्स करती है नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर एम जो है प्रोडक्शन का अंडर मिक्स इकोनॉमी वो है प्राइवेट प्रॉफिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और प्रमोट करना सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो ये दोनों का मिक्सचर है तो जो गवर्नमेंट है वो कन्विंस करती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कि वो जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का उसके अगेंस्ट वो काम ना करे अगर वो उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो वो उन्हें नेशनलाइज कर देगी और उन्हें ट्रांसफर कर देगी पब्लिक सेक्टर में तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो मिक्सड इकोनॉमी है वो मिक्सचर है दोनों के फीचर्स का सोशलिज्म का भी और कैपिटलिज्म का फोकस जो होता है सोशल वेलफेयर पे होता है रादर देन ऑफ वेल्थ नेक्स्ट जो हमारा है मारेट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच